एक ऐसी वर्चुअल दुनिया जहां आप वो सब कुछ बन सकते हैं जिसके बारे में आपने सिर्फ कल्पना ही की है। उस दुनिया में आपको बस ढूंढने हैं 3 ईस्टर एग्स और आप बन जाएंगे दुनिया के सबसे अमीर आदमी। और इसे एडवेंचरस जर्नी पर लेकर जाएगी हमारी आज की मूवी रेडी प्लेयर 1। तो देर नहीं करते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं वॉच ऑन पॉइंट। कहानी की शुरुआत होती है और हमें 2045 के कोलंबस ओहायो शहर का दृश्य दिखाया जाता है, जहां अब जिंदगी बिल्कुल भी सामान्य नहीं रह गई है, बल्कि पॉल्यूशन बहुत बढ़ चुका है, अराजकता फैल चुकी है। लोग एक साथ झोपड़पट्टियों में रहते हैं और इसी बीच वेड वैट्स को दिखाया जाता है, जो कि एक अनाथ बच्चा है और कोलंबस में स्टैक्स नाम के जगह पे अपने आंट के साथ रहता है। उस समय के दो लोग हेलिडे और मोरो ने मिलकर एक गेम की रचना की थी जिसका नाम है ओएसिस। आप वहां पर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। खाने पीने वॉशरूम जाने के अलावा लोग अधिकतर समय ओएसिस में ही बिताते हैं। लोग अपने रियलिटी से भागते थे क्योंकि दुनिया उतनी भी अच्छी नहीं थी। आगे हमें बताया जाता है कि लोग वहां पर अपने अवतार्स में घूमते हैं। कोई भी नहीं जानता कि असल दुनिया में वो लोग कौन है। पेट के अवतार का नाम होता है परजीवन। उसका ओएसिस में एक नाम का एक बेस्ट फ्रेंड होता है जो कि असल दुनिया में कौन है वो नहीं जानता, पर ओएसिस में वो लोग पक्के दोस्त होते हैं। उसके शो और दायित्व नाम के भी दोस्त होते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि हेलिडे जो कि ओएसिस के मालिक थे, उनकी मौत 5 साल पहले हो चुकी है और मोरो भी अब उनसे अलग हो चुके थे। उन्होंने मरने से पहले गेम के ही अंदर 3 चाबियां छुपाई होती है जिसको ढूंढने वाले को मिलेगा ईस्टर एग और वो मालिक बनेगा ओएसिस का। मतलब ओएसिस की वैल्यू ट्रिलियंस में थी, तो जो भी जीतेगा वो होगा सबसे रिचेस्ट। हेलिडे खुद गेम के अंदर एनरॉक द ऑल नोविंग के अवतार में होते हैं और आज तक कोई भी प्लेयर एक भी चाबी नहीं जीत पाया होता है। आगे दिखाया जाता है कि सबसे पहला पड़ाव है एक रेस जिसको कंप्लीट करके जाना है उस पार, लेकिन बीच में है बहुत सारी प्रॉब्लम्स। दिखाया जाता है कि परजीवन यानी कि वेड अपने दोस्तों के साथ रेस में आ चुका है और आए हैं ढेर सारे सिक्सर्स। सिक्सर्स IOI नाम के एक कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं जिसका मालिक होता है नॉलन सेरेंटो, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी का मालिक होता है, जो ओएसिस को जीतकर पूरे वर्ल्ड का सबसे अमीर और पावरफुल आदमी बनना चाहता है। इसीलिए वो अपने लोगों को ओएसिस में ईस्टर एग ढूंढने भेजता है। तो गाइस, रेस शुरू होती है और हमें पता चलता है कि अब तक कोई भी रेस क्यों नहीं जीत पाया है। रास्ते में होते हैं डायनासोर, किंग कॉन्ग जैसे दैत्य जो कि किसी को भी रेस के पार नहीं जाने देते हैं। वेड आखिरी मौके में कॉन्ग को देखकर रुक जाता है और वहां पर वो आर्टेमिस नाम की एक खिलाड़ी की जान भी बचाता है जिसकी बाइक को कॉन्ग ने मसल दिया था। इसीलिए वेड आर्टेमिस को अपने दोस्त एक के पास ले जाता है और बाइक रिपेयर करने को कहता है, जहां पर आर्टेमिस बोलती है ये रेस शायद एक रेस से कहीं ज्यादा है, मतलब ये एक पहेली की तरह है जिससे सुलझाना होगा। इसके बाद अपनी बाइक लेके वो चली जाती है। वेड घर पर इस बारे में बहुत सोचता है और अगले दिन पहुंच जाता है हेलिडे के फाइल्स को देखने क्यूरेटर के पास, जहां उसे एक क्लू मिलता है, रेस को आगे से नहीं बल्कि पीछे जाके जीतना है। अगले दिन वो जाता है और रेस के शुरू होते ही आगे नहीं बल्कि पीछे जाता है। वहां पर रोड के अंदर से एक रास्ता खुलता है जिससे कि वो सब कुछ नीचे से ऊपर देख पा रहा होता है। वो रेस जीत जाता है और उसे मिलती है पहली चाबी। वो ये करने वाला पहला प्लेयर था। वो अपने दोस्तों को भी ये टिप बताता है और वो भी इसको जीत जाते हैं और उनकी टीम आगे चल के कहलाती है हाई फाई। आगे नोलन बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसके सिक्सर्स अब तक एक भी चाबी ढूंढ नहीं पाए थे। वो ओएसिस में जाता है और एक खतरनाक कैरेक्टर से मिलता है जिसका नाम होता है एरो। नोलन उसको परजीवल को ढूंढ कर खत्म करने के लिए कहता है। इधर घर पर नेक्स्ट चाबी को ढूंढने के लिए वेड रिसर्च करता है जिससे उसे पता चलता है कि वो चाबी हेलिडे के पास्ट में छिपी हुई है। उससे कोई गलती हुई थी पास्ट में, वो चाबी ऐसी ही किसी जगह पर है। गेम के अंदर परजीवल गेम में बहुत फेमस हो चुका होता है क्योंकि वो पहला था जिसने कोई भी चाबी ढूंढी थी। वो वहां पर वापस आर्टेमिस से मिलता है। वो दोनों क्यूरेटर के पास जाते हैं और हेलिडे के पास्ट को देखते हैं, जहां पर उनको पता चलता है कि जिंदगी में केवल एक ही बार हेलिडे किसी के साथ डेट पर गया था, लेकिन वो कभी भी दोबारा उससे मिला ही नहीं। मतलब हेलिडे के पास्ट में यही गलती हुई थी, उसने उस लड़की को बताया ही नहीं। जिसके बाद आर्टेमिस वेट को डांस क्लब में बुलाती है, जहां उसके आते ही लोग उसके साथ सेल्फीज लेने लगते हैं। वहां पर आयरॉक भी होता है। वेट को अब आर्टेमिस से प्यार हो चुका होता है और वो उसको अपनी रियल आइडेंटिटी बता देता है। आर्टेमिस उसको मना करती है
लेकिन आयरॉक उसकी आइडेंटिटी को सुन लेता है। वहां पर नोलन के लोग आ जाते हैं और वेड और आर्टेमिस पर हमला करने लगते हैं। नोलन के लोग दोनों को घेर लेते हैं और मारने ही वाले होते हैं, लेकिन वेड के पास एक क्यूब होता है जिससे वो 60 सेकंड पीछे चला जाता है और दोनों वहां से बचकर निकल जाते हैं। आगे आर्टेमिस अपने दुख को बताती है और वेड को कहती है कि तुम इस भ्रम में रहते हो, मेरे पिता की मौत आईओआई की वजह से हुई थी और मैं जानती हूँ कि अगर नोलन को ईस्टर एग मिल गया तो वो पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा, और वो इमोशनल होकर वहां से चली जाती है। आगे दिखाया जाता है कि नोलन वेड को बुला के उसे ऑफर देता है, कहता है कि वो उसे अपनी कंपनी में लेना चाहता है और वो उसके बदले में उसको करोड़ों रुपए भी ऑफर करता है, मगर वेड उसके इरादों को अच्छी तरह से जानता है, इसीलिए वो उसके ऑफर को ठुकरा देता है। गुस्से में पागल होकर नोलन उस बिल्डिंग को ही उड़ा देता है जिसमें वेड का घर होता है, मगर वेड उस समय घर पर नहीं होता और उसकी जगह उसके आंट की मौत हो जाती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वेड को किसी ने किडनैप कर लिया है। वो लोग आर्टेमिस के लोग होते हैं जिसका नाम असल दुनिया में सामंता होता है। दोनों आपस में बात करने लगते हैं। बात करते करते आर्टेमिस को क्लू समझ आ जाता है और वो कहती है कि हैरिडे के पास्ट की गलती थी कि वो उस लड़की को नहीं कह पाया, वो उससे प्यार करता था, इसीलिए हमें वहां जाना होगा जहां पर उसकी डेट थी, और उनकी डेट थी द ग्रेट हॉरर मूवी द शाइनिंग के स्क्रीनिंग में। उसके बाद वो लोग वहां पर जाते हैं। वो जगह बहुत ही खतरनाक होती है, उसमें होती है एक चुड़ैल, एक्स से मरने वाला एक आदमी और ढेर सारे ज़ॉम्बीज, मगर बहुत ही बहादुरी से वेट और उसके दोस्त सबका सामना करते हैं और उसके बाद उन्हें मिलती है दूसरी चाबी। इसके बाद आईओआई में ये पता चल जाता है कि वेड अभी मरा नहीं है। वो लोग जानकारी जुटाकर वेड और समंता के लोकेशन का पता लगा लेते हैं और वहां पर हमला कर देते हैं। समंता वेड को एक छिपे हुए रास्ते से भगा देती है और खुद को गिरफ्तार हो जाने देती है। दूसरी तरफ वेड को असल दुनिया में एक और उसके बाकी दोस्त भी मिल जाते हैं। इधर ओएसिस में नोलन को अब तीसरी चाबी की लोकेशन मिल चुकी होती है, जो कि होती है प्लेनेट डूम पर, जिसको आयरोक की मदद से वो एक अभेद्य किले में बदल देता है ताकि वहां पर आईओआई के अलावा कोई और प्लेयर न आ सके। और जब नोलन लॉग आउट कर रहा होता है तभी उसके ऑफिस में वेड और उसका दोस्त घुस जाते हैं। बंदूक दिखाकर वो लोग आर्टेमिस का पता पूछते हैं। दरअसल ओएसिस में नोलन बाहर नहीं गया था, बल्कि ये लोग उसके ऑफिस को ही हैक करके उसे ये सब दिखा रहे होते हैं। आर्टेमिस को वेड छुड़ा लेता है, पर तब तक नोलन को पता चल जाता है कि वो ओएसिस के अंदर ही है। इसके बाद आर्टेमिस नोलन के ही एम्प्लॉयज में शामिल हो जाती है। वेड यानी कि पर्सिवल गेम में सबसे लाइव बात करता है और कहता है नोलन पूरी दुनिया में राज करना चाहता है, इसीलिए उसने तीसरी चाबी की जगह को अभेद्य किले में बदल दिया है, मगर हमें ऐसा नहीं होने देना है, और वेड सबसे मदद मांगता है, जिसके बाद पूरी दुनिया के प्लेयर एक साथ पर्सिवल का साथ देने आते हैं और भाई साहब उसके बाद खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है सिक्सर्स और प्लेयर्स के बीच में, जहां पर आर्टेमिस भी सिक्सर्स में से ही एक होती है। वो अंदर जाकर उस अभेद्य किले को अंदर से तोड़ देती है, जिसके बाद सब किले पर चढ़ाई करने लगते हैं। आर्टेमिस वेड को गेम के बारे में बताती है जिसमें ईस्टर एग को छिपाया गया होता है, और इधर असल दुनिया में आईओआई के लोग उस ट्रक को भी ढूंढ रहे होते हैं जिसमें वेड और उसके दोस्त बैठकर गेम को खेल रहे होते हैं। गेम में नोलन गॉडज़िला में खुद के अवतार को बदल लेता है और सबको मारने लगता है, मगर सभी दोस्त मिलकर आर्टेमिस को ऊपर उठाते हैं और वो उसे एक बॉम्ब से उड़ा देती है। गेम से बाहर आते ही नोलन आर्टेमिस को ढूंढने लगता है, क्योंकि वो जान गया होता है कि वो उसी के ऑफिस में ही है, इसीलिए गेम में वेड आर्टेमिस को मार देता है ताकि वो गेम से बाहर निकलकर आईओआई से भाग सके। इसके बाद आर्टेमिस वहां से निकल जाती है। वेड अंदर जाता है और उसे दिखता है कि कोई उस गेम को जीत गया है, मगर फिर भी वो मर जाता है। वेड समझ जाता है कि इसको जीतना नहीं है बल्कि मन लगाकर खेलना है, जिसके बाद वहां पर वापस नोलन आता है और कहता है कि अब भी वक्त है, मुझे चाबियां दे दो, मैं तुम्हें करोड़ों रुपए दूंगा। जिसके बाद दोनों में फाइट होती है और नोलन एक ऐसा बॉम्ब चलाता है जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह होता है और जिससे एक साथ सभी प्लेयर मर जाते हैं, सब तबाह हो जाता है। नोलन वेड को हारता देख बहुत खुश होता है, क्योंकि गेम में एक बार जो कोई भी मर जाता है उसे फिर से स्टार्ट करना पड़ता है, मगर वेड मरता नहीं है बल्कि जिंदा होता है, क्योंकि उसके पास एक कॉइन होती है एक्स्ट्रा लाइफ की। वो आखिरी गेम की स्क्रीनिंग सभी ओएसिस चैनल्स पर करता है और सबको एंड देखने को कहता है। असल दुनिया में आर्टेमिस भी वेड और दोस्तों के वैन तक पहुंच गई होती है। वेड गेम खेलता है और छिपे हुए ईस्टर एग को ढूंढ लेता है, और तभी वहां पर आता है एनरॉक द ऑल नोइंग, जो कि उसे तीसरी चाबी देता है। लेकिन असल दुनिया में आईओआई के लोग
वेड के वैन तक पहुंच चुके होते हैं और गाड़ी से टक्कर मार रहे होते हैं। वेड को एनारॉक कहता है कि एक साइन करो और ये पूरी ओएसिस की दुनिया तुम्हारी। मगर वेड जान जाता है कि ये असल में एक टेस्ट है, क्योंकि ऐसे ही एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हैलिडे और मोरो की दोस्ती टूटी थी। वो साइन करने से इनकार कर देता है, जिसके बाद वहां आता है हैलिडे, जो कहता है कि वो जानना चाहता था कि जिसको वो पूरा ओएसिस देने वाला है वो सच्चा प्लेयर है या नहीं। हैलिडे अपने आखिरी मैसेज में कहता है, असल दुनिया ज्यादा खूबसूरत है, जिसके बाद वेड को असली ईस्टर एग मिल जाता है। इधर असल दुनिया में वैन को रुकवा कर नोलन वेड को मारने ही वाला होता है, पर ईस्टर एग देखकर वो भी रुक जाता है। सब इमोशनल हो जाते हैं, जिसके बाद नोलन को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके बाद ढेर सारे लॉयर्स के साथ हैलिडे का दोस्त मोरो आता है। लेकिन वेड अकेले नहीं बल्कि पांचों दोस्तों के साथ गेम को चलाना चाहता है, जहां पर हमें यह भी पता चलता है कि क्यूरेटर कोई और नहीं बल्कि मोरो ही थे, और एक्स्ट्रा लाइफ वाली कॉइन भी उन्होंने एक शर्त को हारने पर परजीवन को दिया था। जिसके बाद वेड और समंता साथ साथ ओएसिस को चलाते हैं और हफ्ते में दो दिन ओएसिस को बंद ही रखते हैं, ताकि लोग असलियत वाली दुनिया को ना भूले। और इसी के साथ आज की हमारी ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, ये मूवी हमें एक वर्चुअल रियलिटी के बारे में बताती है, जहां सभी लोग अपने डिजायर्स को पूरा करने जाते हैं, वो बनने जाते हैं जो वो असल दुनिया में नहीं है। मगर एक बात याद रखिए दोस्तों, हमारी दुनिया बहुत खूबसूरत है और हम इसे और भी खूबसूरत बना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसी ही बेहतरीन कहानियां मैं आप लोगों के लिए ला सकूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, वॉच ऑन पॉइंट।